हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास हरमन। तो गाइस, अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर के ऊपर नेहा बसीन और प्रतीक सैदपाल की सिस्टर के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस ओटीटी में नेहा बसीन ने प्रतीक को चूज किया था, प्रतीक ने नेहा को चूज किया था। लेकिन प्रतीक के फैंस का मानना है कि जब से नेहा ने प्रतीक के साथ पेयर बनाया था, प्रतीक की गेम खराब होना स्टार्ट हो गई थी और इसी के कारण ही प्रतीक बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी नहीं जीत पाया। प्रतीक की सिस्टर ने भी एक इंटरव्यू में नेहा को ही ब्लेम किया था। इसलिए जब नेहा बिग बॉस 15 में आई थी, वो प्रतीक से काफी गुस्सा थी, बिकॉज प्रतीक के फैंस ने उसको काफी ट्रोल किया और इवन प्रतीक की फैमिली ने ही नेहा के अगेंस्ट बोला था, जबकि नेहा ने हमेशा प्रतीक का साथ ही दिया था। जब नेहा बसीन बिग बॉस 15 से एविक्ट हो जाती है, उसके बाद वो ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट करती है जिसमें वो प्रतीक की बैन को टैग करती है और वहां पे नेहा ने बोला था कि तुम्हारे भाई को आप सबसे पहले समझाओ, जो कि हर शो में लड़कियों के पीछे ही भागता रहता है, जबकि रियल लाइफ में उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो शो पे ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सिंगल है और लड़कियों के पीछे भागता रहता है। और उसने प्रतीक की बहन को धमकी भी दी थी कि मेरे साथ पंगा मत लो, वरना मैं सारा का सारा सच सबके सामने बोल दूंगी। प्रेरणा ने इसके जवाब में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे तो नेहा बसीन की समझ नहीं आती, उसे अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसको लग रहा है कि प्रतीक की एक गर्लफ्रेंड है और वो कबूल नहीं कर रहा है कि उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये प्रतीक की लाइफ है, वो जो चाहे वो कर सकता है, नेहा बसीन का इससे क्या लेना देना, उसे सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और प्रेरणा ने यह भी कहा कि मुझे धमकी मत दो, मुझे तुम्हारी धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद भी नेहा बसीन ने एक दो और ट्वीट किए थे जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो इस पूरी लड़ाई में आप किसके साथ हो, नेहा बसीन के साथ या फिर प्रतीक की सिस्टर के साथ? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिग बॉस 15 के रिलेटेड और भी न्यूज जानने के लिए आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास हरमन को सब्सक्राइब कर दो।